दीपावली का पर्व कब है यह अभी तक असमंजस बना हुआ है। 31 अक्टूबर को अधिकतर लोग दीपावली मना रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 नवंबर को दीपावली मनाने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि 31 अक्टूबर को क्यों दीपावली मनाना चाहिए, साथ ही हम वे उत्तर भी देंगे जो मत आ रहे हैं कि 1 नवंबर को क्यों दीपावली मनाना चाहिए, दोनों पक्ष देखेंगे। और इसके साथ ही हम आपको 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको 1 नवंबर को जो दीपावली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का मुहूर्त है वह भी बताएंगे। 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन का 1 घंटे 45 मिनट का पूजन का समय मिलेगा आपको, पर 1 नवंबर को आपको सिर्फ 41 मिनट का मिलेगा, मतलब आधे से भी कम समय आपको 1 नवंबर को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, छोटा सा वीडियो है पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप 1 नवंबर को मनाना चाहते हैं तो कब मना सकते हैं, कब पूजन कर सकते हैं, और 31 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं तो उसका आपको समय क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही हम कब दीपावली मनाएंगे, आज या कल, उसको भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब हम आपको बता दें कि 31 अक्टूबर के पीछे जो लोग मत दे रहे हैं कि 31 अक्टूबर को क्यों दीपावली मनाना चाहिए, वह मत इस प्रकार हैं। हम आपको बता दें, काशी और उज्जैन के जो ज्योतिष आचार्य हैं उनका कहना है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है, इसलिए अगर आप दीपावली मनाना चाहते हैं तो आपको 31 अक्टूबर की दीपावली मनाना है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि शाम को 4 बजे से लगभग शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन शाम को 6 बजे तक रहने वाली है। 31 अक्टूबर को ही अमावस्या का संध्या काल मतलब प्रदोष काल होने वाला है, और रात में ही लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त होता है, महत्व होता है। ऐसे में आपको 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करना है। इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन करने का जो श्रेष्ठ समय होता है अमावस्या की रात्रि में ही रहता है, इस कारण 31 की रात में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें, अन्य मत के अनुसार हम आपको बता दें, तीज त्यौहार तय करने का निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथ के मुताबिक किया जाता है। जिस दिन प्रदोष काल मतलब संध्या का समय होता है और रात्रि में अमावस्या हो, तब दीपदान और लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। ऐसे में आपको 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना चाहिए। यह तर्क थे जिसके अनुसार आप 31 अक्टूबर को दीपावली मना सकते हैं। दीपावली 31 अक्टूबर को जो मनाई जाएगी उसके पूजन का शुभ समय अब आप सुन लीजिए। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का जो शुभ समय है वह शाम के, जैसे ही अमावस्या की तिथि लग जाती है उसके बाद आप करना शुरू कर सकते हैं, मतलब शाम के 5:35 के बाद से रात्रि के 8:30 तक आप लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है जिसमें आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और भी अच्छा मुहूर्त शाम को 6:45 से 8:30 के बीच है, तो इस समय के बीच में आप पूजन अर्चन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ काल जो है वह शाम को 6:35 से 8:33 तक का है, और प्रदोष काल 5:48 से 8:21 तक का है। यह वह सभी समय हैं जिनमें आप पूजन अर्चन करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर के भंडार भर सकते हैं। अब बात की जाए 1 नवंबर की, कि 1 नवंबर को दीपावली क्यों मनाना चाहिए, उसके पीछे भी कुछ तर्क निकल के सामने आए हैं। वे तर्क इस प्रकार हैं, अमावस्या की तिथि 1 नवंबर को शाम को 6 बजे तक लगभग रहने वाली है, इस कारण कुछ ज्योतिष आचार्यों का कहना है, मानना है कि 1 तारीख को पूरे दिन अमावस्या की तिथि रहने वाली है, इस कारण इस दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही 1 नवंबर के तर्क को लेकर कुछ ज्योतिषाचार्यों का तर्क है कि जब कार्तिक अमावस्या 2 दिन होती है तो अगले दिन दीपावली मनाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ का कहना है कि 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि के साथ रहने वाली अमावस्या रहेगी। चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है, इसलिए ये लक्ष्मी पूजन के लिए उचित नहीं माना जाता है, इसलिए 1 नवंबर को प्रतिपदा के साथ आने वाली अमावस्या में लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कौशिक जी महाराज जी ने भी 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाने को कहा है। अब हम आपको 1 नवंबर को अगर आप मनाना चाहते हैं तो उसमें जो कम समय है, सिर्फ 41 मिनट का समय है लक्ष्मी पूजन का, तो वह समय भी वह मुहूर्त भी आपको बता देते हैं। 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है वह शाम को 5:36 से शाम के ही 6:16 तक रहने वाला है। सिर्फ 41 मिनट का समय है। अगर आपका मन 1 नवंबर को दीपावली मनाने का है तो आप 5:36 से
6:16 जो शाम का समय है 1 नवंबर को, इस बीच लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि हम कब दीपावली मनाने वाले हैं, तो हम आपको बता दें हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए उपाय और अन्य जितनी भी पूजन विधि रहती है वह सभी करते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीधे कहा है कि आपको 31 अक्टूबर को दीपावली मनानी है, मतलब आज हम दीपावली मनाने वाले हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।